वर्लपूल टॉप लोड वॉशिंग मशीन का एरर कोड यहाँ पर दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे एरर कोड PE के बारे में। इससे पहले भी ढेर सारे वॉशिंग मशीन का एरर कोड के बारे में बता किए हुए हैं, ढेर सारे AC के बारे में यानी कि एरर कोड के बारे में पूरा चीज़ बतलाया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे वर्लपूल का जो वॉशिंग मशीन आता है और उसमें एरर कोड दिखलाना चालू करता है, बहुत चलता नहीं है, एरर कोड दिखला करके फिर वहाँ पर क्लोज हो जाता है यानी बंद हो जाता है, चालू नहीं करता। यहाँ पर PE का अगर एरर कोड आ रहा तो हम क्या करेंगे, है ना, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस कंडीशन में PCB प्रॉब्लम हो रहा था, PCB करने मतलब जो डिस्प्ले मेरा दिखलाते रहता है PE, और वो डिस्प्ले दिखलाता है मेरा PCB के द्वारा, और PCB में जो है कि PCB ढेर सारे कंपोनेंट मिलकर बना हुआ रहता है, और ढेर सारे कंपोनेंट वहाँ पर कैपेसिटर वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह, डायोड वगैरह, अभी सब में कुछ भी ख़राब हो सकता है, यानी PCB प्रॉपर सही तरीके से नहीं काम कर रहा, इसी कारण से मेरा PE का एरर कोड दिखला रहा। गारंटी में तो डायरेक्ट PCB चेंज करवा ले उस कंडीशन में, गारंटी में नहीं तो फिर PCB बाजार में बनता है बनवा के ले, तो उसमें एक टेक्नीशियन आपको बनाने के लिए देते हैं दुकानदार को, तो वो आपको बताता है आप क्या चीज़ ख़राब ही था। यानी PE का एरर कोड जब भी आए तो समझ जाएगा कि PCB से ही प्रॉब्लम है, तो उसमें और कुछ इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ PCB से खोल करके फिर ऊपर PCB का जांच कर ले कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, कहाँ पे क्या चीज़ खराब है। तो PCB को आपको अगर सही कर लेते तो PE का एरर कोड यहाँ पर आसानी से हट जाएगा। और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।